नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। बीच रोड पर नागिन की तरह लहराता बलखाता ये ट्रक। जी हां, इस ट्रक के साइड पर लिखा है लॉजिस्टिक्स और रोड पर ये कर रहे हैं नागिन डांस, यानी कि फुल रॉकिंग और डेडली कॉम्बिनेशन है। लेकिन इनका ये नागिन डांस खुद इनके लिए और किसी दूसरे के लिए जहरीला साबित हो सकता है अगर कोई हादसा हो जाए तो। अब ये स्टंट है या कोई और वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, पर ये ड्राइविंग जरूर खतरनाक है। मोहनिया बॉर्डर बिहार की ये घटना है। सर्वर है शामली उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले तो 500 रुपये एंट्री मांगी जाती है और वो ना दो तो 2500 रुपये का मैकेनिकल कटेगा ये बोला जाता है। इस जागरूक ड्राइवर ने जब एंट्री और मैकेनिक दोनों देने से मना कर दिया, फिर देखिए क्या हुआ। कौन सा मैकेनिकल कटता है फोन? यूपी में बढ़ने का कौन सा मैकेनिकल कटता है? 2500 का यूपी में बढ़ने कटता है क्या? बिहार में जाते हैं तब कटता है 2500 रुपये का मैकेनिकल, ठीक है ना? ला लिया 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 लिया, जो कुछ लाना है लिया। हाँ लिया लिया, जो कुछ लाना है लेके आ जा, निकाल दूंगा तेरा। हाँ, तेरे को ऑनलाइन नहीं ठोकवा दिया तो मेरा नाम बता देना। हाँ तो ठोकवा ऑनलाइन। आपने वीडियो देखी। अब अगर यहाँ पर ये कर्मी अपनी जगह ठीक है तो वीडियो बनाने पर इन्हें दिक्कत क्यों है? आपने देखा कैसे फोन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, मारने के लिए कुछ इधर उधर ढूंढने लगते हैं। जब कोई बात नहीं बनी तो ऑनलाइन ठोकने की धमकी दी, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन का जमाना है तो ये ठोकेंगे भी अब ऑनलाइन। क्या बात है भाई? क्या बात है? नहीं, क्या बात है? क्या नाम है तेरा? नाम क्या है ये बता। क्यों पूछ, आप क्या हो? मैं क्या हूँ? आप क्या हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस खुशी का? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या नाम है ये बताओ, है नाम बताओ। आप क्या हो? मैं क्या आपसे नाना यो बंद ना हुआ इन अड्डी लाग सका रोड पकड़ ले बैठ सके। ये वीडियो है शाजापुर राजस्थान चेक पोस्ट की। ड्राइवर है विनोद कुमार, जिन्होंने ये वीडियो बनाकर हमें भेजी है और ये भी बताया कि यहाँ पर एक कैबिन में गाड़ी वाले से वसूली लेते हैं और इन कर्मियों के यूनिफॉर्म पर ना तो नेम प्लेट है। और जब इनसे ड्राइवर ने इनका नाम पूछा कि आप कौन हो, इनके नाम के बारे में पता करना चाहा कि ये सचमुच आरटीओ हैं या कोई और, या कोई सरकारी कर्मी है भी या नहीं, कहीं लुटेरे तो नहीं, तो इनका व्यवहार आपने देख ही लिया किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। नाम तो क्या बताना, ड्राइवर से ही पूछ रहे हैं तू कौन है। जितना चालान में पैसा होगा ना उतना ही दूंगा मैं, चालान बनाओ मेरा आप। मैं 2400 ही दूंगा, लेकिन रेट 2400 होना चाहिए उसमें। पैसे दे रहा हूँ मैं, 3000 लाख मैंने बना था, 3000 किस बात का चालान? 3000 का किस बात का चालान बताओ से मेरे को। हाइट ढाला सब, हाइट साइड सब, सब चालान मैं 3000 का ही बिल दूंगा, 3000 देना। ये वीडियो है रामटेक आरटीओ चेक पोस्ट महाराष्ट्र की। देखा किस तरह से यहाँ पर लूट मचा रखी है। आमिर खान जो भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, सोलापुर से कच्चा माल लोड कर कानपुर उत्तर प्रदेश के लिए जा रहे थे। इनका 1200 रुपये का चालान काटा गया और लिए गए 2400 रुपये। आपने देखा जब ड्राइवर ने कहा कि जितना पर्ची पर लिखा जाएगा उतना ही दूंगा, चाहे कितने भी लिख दो, तो कैसे भड़क गए। 3000 का चालान करने की बात कही, ओवर हाइट और ओवरलोड हर चीज का चार्ज जोड़ने की बात कही, आखिरकार 2400 पर माना और पर्ची 1200 की ही दी, यानी 1200 रुपये कर्मी अपनी जेब में रख रहे हैं। दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 18 से एक विचित्र घटना सामने आई है, जहां पर रोड के बीचों बीच एक कार गड्ढे में धस गई, जिसको बाद में काफी मशक्कत के बाद हाइड्रोक्रेन से बाहर निकाला गया। इस विचित्र घटना को देखने के लिए वहां पर भीड़ जुट गई। एक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि लगातार बारिश से जमीन धस गई और इस घटना के बाद ही ये भी पता चलता है कि प्रशासन यहाँ कितना जागरूक है, खासकर बरसात के मौसम में किसी तरह की कोई परवाह नहीं, ऐसी घटनाओं के बाद ही प्रशासन जागता है। एक पुलिस कर्मी को क्यों खानी पड़ गई कसम, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मेरा नाम साहिल शर्मा, जम्मू एंड कश्मीर। मैंने ट्रांसपोर्ट माल से बीमा करवाया था अपनी गाड़ी का। ट्रांसपोर्ट माल ने एक बहुत अच्छी सर्विस दे रखी है, ट्रांसपोर्ट माल ने बहुत बढ़िया ड्राइवरों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 9831 9831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।
दारू नहीं पिया बोलो फिर कसम से बोल दारू नहीं पिया क्या बोल रहे दारू नहीं पिया कसम से हाँ दारू आपने पिया है मेरी बात सुनो मेरा फोन स्टेशन पे मेडिकल करूंगी स्टेशन के बाद नहीं तुम्हारा फोन कोई अटलमा सांगा पैसा दिया 200 रुपए नहीं नहीं दिया किसको दिया 200 दिया ना नहीं नहीं दिया दे दो 200 रुपए आपके पास नहीं नहीं पर्ची दे हाँ पर्ची लो क्या भी करो पर्ची लो 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 पर्ची लो अभी झूठ बोल रहे हैं अभी 200 दिया हमारे पास दिया ये वीडियो हमें भेजी है बसवराज ने जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं 15 जुलाई की ये घटना है विजयपुर कर्नाटक टिकोटा रोड की जहां पर हाईवे पेट्रोल पुलिस वालों ने बसवराज को रोका एंट्री के लिए पैसे मांगे और जब ड्राइवर ने पैसे की पर्ची मांगी तो बोले कि पैसे ही नहीं दिए उसी वक्त अपनी बात से पलट गए ड्राइवर ने यह भी बताया कि ये कर्मी उनका मोबाइल लेकर चले गए ये बोलकर कि अगर वापस चाहिए तो थाने में आ जाना और ड्राइवर ने इन पर दारू पीने के आरोप लगाए हैं और जब इनसे ड्राइवर ने सख्ती से पूछा तो माँ की कसम खाने लग गए टोल प्लाजा पर टोल कर्मी तो क्या टोल मैनेजर को भी नियम कानून नहीं मालूम जी हाँ इस घटना में यही हुआ है और इस बात का खुलासा किया है बंटी ने जो आजाद यूनियन के सदस्य हैं ये अपने टेम्पो ट्रैवलर से जैतो मंडी भटिंडा से सालासर जा रहे थे उस दौरान मालासर राजस्थान के टोल प्लाजा पर इनकी पर्ची जो काटी गई वो बस की काटी गई 165 रुपए जबकि इनकी टेम्पो ट्रैवलर की काटी जानी थी यानी कि 65 रुपए बनते थे और जब इन्होंने कर्मी से सवाल किया तो देखिए उसका जवाब किस तरह से बचता फिर रहा है जे जे जो आप जे जे कट रहे हो इसकी बस में कट रहे हो ना टेम्पो ट्रैवलर की 12 सीटर की क्या क्या का किस में कट रहे हो बताओ किस में लिख रहे ये पहले आप बताओ ना क्या बताऊं मैं आप बस में काट रहे हो ऑफिस में आप मेरे को ये बताओ टेम्पो ट्रैवलर 12 सीटर है मेरा 12 सीटर है ठीक है तो आप इसको बस में कट रहे हो बस में है तो है यही नहीं जब इसके बाद टोल मैनेजर के पास गए बंटी तो सरकार के बनाए कानून का पाठ उन्हें पढ़ाया तब इनके पैसे वापस कर 65 रुपए की पर्ची काटी गई। भैया अभी कितना टाइम खड़े रहना पड़ेगा कम से कम 50 रुपए तो डीजल जल गया होगा दरबार इन लोगों के हाथ में नहीं है टोल प्लाजा वाले भैया बोल रहे हैं और लगभग मैं 10 मिनट से यहाँ पे खड़ा हूँ जोगी निहाई टोल प्लाजा में और इनका कहना है सर्वर हमारे हाथ में नहीं है जब तक नहीं आएगा तब तक खड़ी रहेगी फास्टैग में कोई गड़बड़ी नहीं है मशीन में इनके प्रॉब्लम है अतुल रीवा मध्य प्रदेश से हैं जो निजी वाहन में सफर के दौरान जोगिनहाई टोल प्लाजा से गुजर रहे थे लेकिन वहां का हाल क्या है वो आपने वीडियो में देखा अतुल को 11 मिनट एक लाइन में रोके रखा गया फास्टैग से पैसे नहीं कट रहे थे जिसकी वजह सर्वर डाउन होना बताई जा रही थी फिर कभी आगे कभी पीछे करने की बात की जा रही थी तो कभी लेन बदलवाने की बाद में दूसरी लाइन में भी इनका बहुत टाइम खराब किया गया इससे इन दावों की पोल खुलती है जिनमें कहा गया था कि फास्टैग आने से लाइन नहीं लगेगी और अगर लगा तो निशुल्क जाने दिया जाएगा लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है हनुमाना मध्य प्रदेश बॉर्डर की यह घटना है जिसकी वीडियो हमें भेजी हमारे एक दर्शक ने उन्होंने बताया कि वहां पर बाहर की गाड़ियों से तो एंट्री वसूली जाती है लेकिन ये कर्मी लोकल गाड़ी वालों को भी नहीं बख्शते किसी ना किसी तरीके से टाइम खराब करते हैं और कच्चा माल के नाम से 100 रुपए की मांग भी की जाती है इस वीडियो में भी यही हो रहा है जब गाड़ी मालिक ने इन कर्मियों से सवाल किया कि लोकल गाड़ियों की एंट्री तो आज तक नहीं दी और अपने ही घर में एंट्री क्यों दें तो सुनिए क्या कहा गया आप गेट पास दे दीजिए हम आपसे बात नहीं करना आप हमसे अच्छी लैंग्वेज में बात करिए समझ गया ना इतनी अभद्रता की गई आखिर 100 रुपए लेकर ही जाने दिया गया ड्राइवर को दुनिया में अलग अलग कर्तव्य दिखाने वाले लोग हैं लेकिन ड्राइवर ने पोकलेन के जरिए एक ऐसा कर्तव्य किया कि लोग देखते रह गए और आंखें खुली की खुली रह गईं। पोकलेन को ट्रेलर पर लोड करके ले जाया गया लेकिन उसे अनलोड करने के लिए पोकलेन की आत्मनिर्भरता देखिए उसने किसी का सहारा नहीं लिया या यूं मानो वो कह रही हो कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और क्या हुनरमंद तरीके से ड्राइवर ने पोकलेन को इस ट्रेलर से जमीन पर लैंड करवाया आप देखते रह जाएंगे वाकई में गजब का साहस है ड्राइवर का और गजब का ही कर्तव्य इस पोकलेन का है आप देख रहे थे GT रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना
तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।